हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले की कैंडी। मैंने आंवला ले लिया है, आंवले में मैंने सारा उसकी गुठलियां निकाल ली हैं। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे तो आप पूरा साबुत आंवला भी रख सकते हो। मैं इस तरीके से, और मैंने यहाँ पर गैस जलाकर नीचे पानी रख दिया, ऊपर छन्नी रख दी है इस तरीके से, आप देखो, ताकि मेरे आंवले स्टीम हो जाए। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो मैंने इसको कर दिया गैस को मीडियम पे रखकर, मैं 10 से 12 मिनट तक इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा कर लूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और मेरी आंवले की कैंडी बढ़िया सी बन जाए। तो मैंने इसको रख दिया है करने के लिए, तो अब हम वेट करते हैं 12 मिनट तक। ओके फ्रेंड्स, अब 15 मिनट हो चुके हैं। आप वैसे तो मेरे इस पे मत जाओ कि 15 मिनट या 20 मिनट, क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। क्वांटिटी कम है तो आपका जल्दी से स्टीम हो जाएगा, क्वांटिटी ज़्यादा है तो टाइम लगेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से सॉफ्ट से करने हैं ये, क्योंकि फिर हमको इसको पीसेंगे मिक्सी में डालकर। और सेकंड बात ये कि आप इसको, हम पानी में इसलिए बॉयल नहीं करें क्योंकि आपको, आप क्या मैं क्या सबको, हम लोगों को इतनी नॉलेज तो है कि इसके विटामिन निकल जाएंगे, तो इसलिए हमने इसको स्टीम करा ताकि इसके विटामिन इसके अंदर ही रहें। तो चलो अब हम इसको ठंडा करने के बाद मैं इसको पीसती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको पीसना चाहेंगे ना, तो ये इतने ड्राई होंगे कि आपसे पीसेंगे नहीं, आपको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो कोई परेशान मत होना, क्योंकि ये ड्राई होता है, पानी डालोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप थोड़ी देर पहले अगर इसमें चीनी डालकर थोड़ा सा रख देंगे आप इसको, तो ये पानी छोड़ देगा और तो आपको आराम से मिक्सी में पीस जाएगा। लेकिन मैंने अभी इसी वक्त इसमें थोड़ा सा बूरा डाला है, आप देख रहे हो बूरा, ये वाइट वाइट सा लगा पड़ा है इसके अंदर। और फिर मैं उसके बाद इसको बनाऊंगी गुड़ में। तो ये थोड़ी देर में 5 से 7 मिनट छोड़ देने से इसमें पानी आ जाएगा, तो जल्दी इजीली पीस जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पीस चुका है। अब जितना मेरा आंवला था मैंने उतना ही गुड़ ले लिया है, क्योंकि मैं गुड़ के साथ बना रही हूँ। अगर आप चीनी के साथ बनाएंगे तो उतनी ही चीनी ले ली, क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए। मेरा कोई 1.5 कप के लगभग ये मेरा था, तो मैंने 1.5 कप ही इसके अंदर ये ले लिया था गुड़, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चीनी भी, वो बूरा भी डाला था जब पीसते गए ना, क्योंकि हमने बताया था ना कि वो इस हिसाब से ये थोड़ा गीला हो जाएगा, पीसने में आसानी होगी। तो इसलिए वैसे ही मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने कम ही डाला है। तो चलो अब मैं इसको भूनना शुरू करती हूँ, मतलब जब तक ये अच्छे से पकता रहेगा। अब ये शुरू हो चुका है बनने के लिए, गैस मैंने ऑन कर दिया, तो इसको जब तक हमने इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म करना है। तो फ्रेंड्स, अब इसका पानी एकदम से सूख चुका है, आप देख रहे हैं। और तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, नमक, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट नमक का अच्छा लगता है इसके अंदर। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इससे थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। साथ में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसके अंदर, देसी घी डाल देंगे, इससे थोड़ी शाइन आ जाएगी इसके अंदर। आपको खाली इसका पानी सुखाना है अच्छे से। और अब ये देखते हैं आप, ये हो चुका है। अब मैं इसको थाली में रख दूंगी, चाहो तो हल्की हल्की जब गर्म हो उसकी गोलियां बना लें आप, चाहे बच्चों को टॉफियों के अंदर भर कर दे रहे, एक पन्नी में छोटी सी में, बच्चे थोड़े खुश हो जाएंगे टॉफ़ी मिल गई। और चाहे तो आप इसको बर्फ़ी की शेप में काटो। तो चलो मैं इसको रखती, मेरा हो चुकी है ड्राई। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको खाली कर लिया, ये देखो मैंने बटर पेपर पर थोड़ा इसमें ऑयल लगाकर और मैंने इसके अंदर सब डाल दिया है इसको इस तरीके से। ये आप देखो, यहाँ से मैंने इसके तरीके से मोड़ दिया है इसको चारों तरफ से। और जितना आपका है ज़्यादा क्वांटिटी था, आप बटर पेपर भी उसके हिसाब से लोगे। यहाँ मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया, और यहाँ पर ये देखो मेरा इस तरफ से मैंने इसको रख दिया। तो अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे हम इसको, तो हम छोड़ देती हूँ इसको ठंडा होने के लिए, जब तक ये अच्छे से ठंडा हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी आपकी क्वांटिटी है आंवलों की, उतना ही आप इसमें मीठा डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा डालना है तो आप डबल क्वांटिटी कर दें, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप बराबर ही रहने दें, और या फिर उससे हाफ भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी कैंडी बन के तैयार है, मीठी मीठी टेस्टी टेस्टी सी। और ये काली काली इसीलिए है क्योंकि मैंने गुड़ डाला, बिल्कुल पौष्टिक है, खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। और ऊपर से मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है, इससे थोड़ा और अच्छी लग रही है, ये देखने में थोड़ी कलरफुल सी अच्छी लग रही है। तो मेहनत भी नहीं है ज़्यादा बनाने में, और पौष्टिक बहुत है।
तो आपको कैसी लगी मेरी ये आज की मेहनत और आज की ये टेस्टी टेस्टी सी कैंडी। आपको पता आंवला तो वैसे इतना पौष्टिक है खाने, इस बहाने बच्चे भी खा लेंगे, आप भी खा लेंगे। तो कैसे लगे आपको, तो मैं फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने से प्यार करना। हरे कृष्णा, मुस्कुराइए, आप माधवी सिंह के चैनल पर हैं।